दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही कुछ खास प्रोडक्ट लेके आया हूं। ये जो प्रोडक्ट है बिल्कुल एक्सक्लूसिव है और ये जो है ये एक 21 इंच का सबवूफर स्पीकर है स्वीटन की तरफ से। जैसे कि ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, लास्ट महीने मेरे पास पहुंचा था। कोई नया प्रोडक्ट होता है तो पहले मैं उसका पैकेट को खोलता हूँ, उसको निकालता हूँ, देखता हूँ, उसको सबवूफर में फिट करता हूँ, टेस्ट करता हूँ तसल्ली से, फिर उसके बाद मुझे तसल्ली मिलती है। और इसको जैसे ही हमने टेस्ट किया तो रिजल्ट सुन के मुझे मजा आ गया। तो साइज के बारे में अगर बात करें, ये एक 21 इंच का सबवूफर स्पीकर है जो 2000 वाट में आता है। स्वीटन का ये दूसरा 21 इंच प्रोडक्ट है। आपने कई बार देखा होगा, एक डेढ़ साल से स्वीटन का एक 2500 वाट का भी 21 इंच का स्पीकर आता है। उसका भी आगे चल के कभी हम रिव्यू और टेस्टिंग भी करेंगे। ऑलरेडी मैंने उसको भी टेस्ट कर लिया है, काफी सारे सेटअप में भी दिया हुआ है। ऑलरेडी वो जो स्पीकर है वो काफी सक्सेसफुल है। स्वीटन ने अभी निकाल लिया है अपना दूसरा प्रोडक्ट जो के है 21PT2000 सब। ये एक 2000 वाट AES का स्पीकर है जिसका प्रोग्राम पावर जो है वो 4000 वाट है। चाहे वो एक EDM ट्रैक हो, चाहे एक हिप हॉप हो या फिर ब्लॉकबस्टर मूवी ट्रैक हो, किसी में भी आप इसको टेस्ट करें, आपको रिजल्ट अल्टीमेट मिलेगा। इसका जो बेस है आपको बिल्कुल आपके सीने में महसूस होगा, क्योंकि ये जो स्पीकर है ये हर फ्रिक्वेंसीज को बहुत ही अच्छे से कलेक्ट करता है। आपको एक वाइड रेंज मिलेगा जिसमें आप वाइब्रेशन, पंच, सब कुछ आपको बिल्कुल इक्वल सुनने को मिलेगा। जबकि आप सोचते होंगे कि 21 इंच के स्पीकर में ज्यादा वाइब्रेशन मिलेगा, पंच थोड़ा कम मिलता है, लेकिन ये जो स्पीकर है इसमें आपको वाइब्रेशन के साथ साथ उतना ही पंच भी सुनने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बेस और प्रेशर की बात नहीं है, ये सबवूफर प्रिसिशन और कंट्रोल भी देता है। टेक्निकली अगर एक छोटे शब्द में हम जानना चाहें, ये जो सबवूफर स्पीकर है ये एक हाई परफॉर्मेंस ड्राइवर है जो आपको मुश्किल से मुश्किल ट्रैक में भी आपको एक अच्छा बेस प्रोड्यूस करके दे सकता है। और कनेक्टिविटी के बारे में भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसको आप अगर चाहें अपने डीजे में या फिर लाइव साउंड में, दोनों पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। डीजे में आपको अगर वाइब्रेशन चाहिए तो ये आपको बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन निकाल के देगा। अगर आपको लाइव साउंड में किक बेस चाहिए तो ये आपको बहुत ही अच्छा किक बेस भी निकाल के देगा। तो दोनों पर्पस के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये प्रोडक्ट कैसा है और इसका जो भी टेक्निकल डिटेल्स है हम आगे चल के जानने वाले हैं। सो वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और इस चैनल में अगर आप अभी तक जुड़े नहीं है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये है स्वीटन का 21PT2000 सब स्पीकर। अभी हम इसका टेक्निकल डिटेल्स के बारे में जानने वाले हैं कि ये स्पीकर आपको किस तरह का रिजल्ट दे सकता है। पहले तो इसका टेक्निकल डिटेल्स के बारे में अगर हम जानना चाहें, ये एक 21 इंच का स्पीकर है जिसमें आपको 5.5 इंच वॉइस कॉल मिलेगा जो 140mm का वॉइस कॉल है जो कि इन आउट में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो मैग्नेट है ये 280 मैग्नेट है जिसमें आपको डबल मैग्नेट देखने को मिलेगा, जिसका थिकनेस जो है वो 35mm का टोटली देखने को मिलेगा। इसका वॉइस कॉल जो है, जैसे कि इसका डबल मैग्नेट है तो इसमें वॉइस कॉल जो है उसका भी लेंथ थोड़ा सा ज्यादा है। जैसे कि ये एक 5.5 इंच वॉइस कॉल का स्पीकर है, इसमें हमें काफी अच्छा वाइब्रेशन और पंच सुनने को मिलता है। स्पीकर का जो पावर रेटिंग है वो 2000 वाट AES है और इसका प्रोग्राम पावर जो है वो आपको 4000 वाट AES में देखने को मिलेगा। इसका जो इम्पीडेंस है वो 8 ओम्स है और इसका जो सेंसिटिविटी है वो आपको 94 dB का देखने को मिलेगा। इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो आपको 24 हर्ट्ज से लेके 1500 हर्ट्ज तक देखने को मिलेगा, जिससे आपको एक वाइड रेंज मिलेगा जिसमें आपको काफी अच्छा वाइब्रेशन के साथ साथ काफी अच्छा पंच भी सुनने को मिलेगा। यूज करना चाहते हैं किसी डीजे सेटअप में या फिर लाइव साउंड सेटअप में तो दोनों में आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। स्पीकर का जो वाइंडिंग मटेरियल है वो है कॉपर में और इसका जो फॉर्मर है वो ग्लास फाइबर में आपको देखने को मिलेगा। कंपनी ने इसका रिकॉन किट भी लॉन्च किया हुआ है, कंपनी का रिकॉन किट का नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कभी कभार आपका स्पीकर में कोई भी डैमेजेस होता है तो आप डायरेक्टली कंपनी से इसका रिकॉन किट भी ऑर्डर कर सकते हैं। स्पीकर का जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो है 32 हर्ट्ज। अगर 32 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी कोई दूसरा स्पीकर भी प्ले हो रहा है तो इस स्पीकर के जो सराउंड है
इसमें भी आपको काफ़ी वाइब्रेशंस भी देखने को मिलेगा क्योंकि ये इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो इस फ्रीक्वेंसी में ये फ्लोटिंग करना स्टार्ट करेगा। सोचिए आपने एक डुअल में इसको लगाया हुआ है, एक को आपने कनेक्ट नहीं किया और दूसरे को कनेक्ट किया हुआ है और आपने 32 हर्ट्ज का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी प्ले किया हुआ है, तो एक स्पीकर में आपका जो कोन है वो सस्पेंशन देना स्टार्ट करेगा, उसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच हो रहा है, तो उस स्पीकर में भी आपको सस्पेंशन देखने को मिलेगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है, आप अगर चाहें तो चैनल में उसको चेक कर सकते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालेंगे। स्पीकर का जो डीसी रेजिस्टेंस है वो है 6 ओम्स और स्पीकर का जो क्यूईएस है वो है 0.31 और स्पीकर का जो क्यूएमएस है वो है 9.71 और स्पीकर का जो क्यूटीएस है वो है 0.30। तो इसका मतलब ये है, ये स्पीकर एक ऐसे बैलेंस जगह पे है जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्मूथ सस्पेंशन भी देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा वाइब्रेशन भी देखने को मिलेगा और इसका जो बेस है काफ़ी टाइम तक ये ट्रैवल होता रहेगा। जैसे कि मैंने अपने एक वीडियो में आपको QMS, QES और QTS के बारे में बताया था। QTS जो है वो आपका टोटल वैल्यू होता है जिससे आप पता लगा सकते हैं वो स्पीकर में आपको कितना अच्छा बेस सुनने को मिलेगा। और स्पीकर का जो बेस है वो है 1.66 लीटर्स और भी काफी सारे TS पैरामीटर्स है, यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप इसका TS पैरामीटर्स भी पता करके अपने लिए एक कैबिनेट इनक्लोजर डिजाइन कर सकते हैं। और स्पीकर का जो रिकमेंडेड स्पीकर कैबिनेट है वो है बेस रिफ्लेक्स कैबिनेट या फिर किसी भी तरह का आप वेंटेड कैबिनेट में इसको यूज कर सकते हैं, उसमें आपको सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट सुनने को मिलेगा। अभी हम जान लेते हैं इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे मैंने बताया डबल मैग्नेट स्पीकर है, तो इसका जो चेसी है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और इसका जो वेट है वो भी काफी ज्यादा है, लगभग आपको 35 किलो के ऊपर आपको स्पीकर का वेट देखने को मिलेगा। इसका जो कोन है ये काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, ग्लास फाइबर कोन आपको देखने को मिलेगा और साथ में इसका जो सस्पेंशन है वो आपको काफी स्मूथ देखने को मिलेगा, जबकि 21 इंच का स्पीकर है उसमें इतना अच्छा सस्पेंशन देखने को नहीं मिलता, काफी स्टिप रहता है, लेकिन ये रबिड कोन है और साथ में इसका जो सराउंड है ये 3 स्टेप में है और काफी अच्छा स्मूथ सस्पेंशन हमें देखने को मिलता है। सस्पेंशन अच्छा होने से बेस प्रोड्यूस करने में स्पीकर को इजी होती है, क्योंकि अगर कोन जो है वो स्टिफ है तो वो ज़्यादा मिड रेंज के लिए अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा बेस प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो इसमें हमें काफ़ी अच्छा बेस भी सुनने को मिल चुका है ऑलरेडी। और इसमें आप देख सकते हैं सिलिकॉन स्पाइडर आपको देखने को मिलेगा और साथ में स्वीटन ने यहाँ पे स्पीकर में एक एलॉय रिंग का भी इस्तेमाल किया है जो एलेंकी बोल्ट के साथ कसा हुआ है, तो इस स्पाइडर का रिंग की वजह से आपको काफ़ी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। नॉर्मली अगर स्पाइडर उखड़ता है तो वो उखड़ने का टेंशन भी आपका काफ़ी कम रहेगा। ओवरऑल ये स्पीकर का जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है। अभी हम चलते हैं, एक बेस कैबिनेट हमने इसके लिए रेडी किया है, ये दोनों स्पीकर को एक ही कैबिनेट में हम डालेंगे और इसका टेस्टिंग सुनेंगे।
सो दोस्तों, हमने इस स्पीकर को टेस्ट किया और इसका जो रिजल्ट है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, काफ़ी अल्टीमेट है। आपको पंच वाइब्रेशन काफ़ी अच्छे सुनने को मिलेंगे। तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको काफ़ी अच्छा सुनने को मिलेगा। ये स्पीकर आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। अगर आप इस स्पीकर को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, या फिर आप अपने नज़दीकी डीलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से भी इसको परचेज कर सकते हैं। इस स्पीकर का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है, जैसे कि काफ़ी बैलेंस्ड बेस ये प्रोड्यूस करता है। आपको पंच और वाइब्रेशन का काफ़ी अच्छा एक लेबल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कोई भी टोन जो है वो तबाह हुआ या फिर कोई ज़्यादा आ रहा है या फिर कम आ रहा है, ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। सो ओवरऑल ये स्पीकर मेरी तरफ से आपको बिल्कुल रिकमेंडेड है। अगर आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसका टेस्टिंग अच्छा लगा है, अगर आप हमें मोटिवेट करना चाहते हैं, लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपके लिए इस तरह के काफ़ी सारे टॉपिक्स लेके आता हूँ और आगे भी लेके आता रहूँगा। अगर आप स्वीटन स्पीकर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राहुल जी काफ़ी अच्छा टेक्निकल टॉपिक्स बनाते हैं स्पीकर के ऊपर। कुछ ऐसे डिटेल्स जो आपको बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं एक स्पीकर परचेज करने में, चूज़ करने में, किस तरह का आपको रेंज चाहिए, क्या चाहिए, उसके बारे में भी आप बिल्कुल डिटेल्ड आप नॉलेज ले सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे जाके उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।